आरपीएफ पुलिस द्वारा पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया गया कि दक्षिण बस्तर में लकड़ी तस्कर लगातार सक्रिय हैं और अब तस्कर लकड़ी तस्करी के लिए रेलवे का सहारा ले रहे हैं। बीती रात तस्करों द्वारा किरदू से आने वाली एक मालगाड़ी में कीमती इमरती लकड़ी भरकर दक्षिण भारत के शहरों में भेज रहे 22 लाख इमरती लकड़ी को आरपीएफ के जवानों ने जगदलपुर में जब्त किया। मामले की जानकारी देते हुए जगदलपुर आरपीएफ के अधिकारी हरिदर्शन शर्मा ने बताया कि किरंदुल से विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली मालगाड़ी में 4 तस्कर मालगाड़ी में छिप कर बैठे थे और कामलूर तक लकड़ी को आयरन से ढक रखे थे। इस बीच कामलूर स्टेशन के पहले तस्करों ने डिब्बे का वैक्यूम पाइप खोल दिया जिससे मालगाड़ी मौके पर ही खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी होते ही तस्कर भाग निकले। इंजन के ड्राइवर को इस बात की जानकारी मिलते ही मालगाड़ी को जगदलपुर की ओर बढ़ा दिया गया। जगदलपुर आरपीएफ को इसकी सूचना दे दी गई। रात करीब 11 बजे आरपीएफ की टीम ने सभी डब्बों को सर्चिंग की और एक डिब्बे में आयरन के नीचे 22 नग इमरती लकड़ी मिला जिसे आरपीएफ द्वारा जब्त कर लिया गया। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आकी गई है। हम लोगों को कल सूचना मिला था कि गाड़ी का वैक्यूम ड्रॉप हुआ है। जो संलग्न है वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी का जो मिड सेक्शन रहता है उसमें वैक्यूम ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ पर आरपीएफ कोई रहता नहीं है और ना कोई डिपार्टमेंट रहता है, तो वो लोग वहाँ से चढ़ा दिया माल को, चढ़ा के वो लोग कुछ छुपा देते हैं, छुपा के उतर जाते हैं। हम लोगों को सूचना मिला, हम यहाँ 7:15 में गाड़ी आया, गाड़ी को हम पूरा चेक किया। पूरा चेक करने पे हम लोगों को पर उसमें वो लोग आयरन ओर है उसके नीचे कवर करके छुपा के रखा हुआ था, जिसमें हम लोग पूरा सर्च करने के बाद उसमें 22 अपना ये वुडन लॉक्स उसको हम लोग रिकवर किए। सर ये फॉरेस्ट वालों से बात हुआ है मेरा, फॉरेस्ट वाले उसको 1.5 लाख के आसपास वो बताए हैं, प्रक्रिया चल रहा है। टेक वुड है, टेक वुड ये कुछ 7-8 दूसरी बार है। एक बार मैं और पकड़ा हुआ हूँ इसमें, और 2016 में एक गैंग था उस पर केस हुआ है, इसमें 5-6 लोग था उनके ऊपर केस चल रहा है, और किरंदुल में भी उनके ऊपर केस हुआ है। ये काफ़ी दिनों बाद फिर ये मामला प्रकरण में आया है।